हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें देखना है चैप्टर थर्ड जो हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसके ऑल पॉसिबल वन मार्क्स क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या मैचिंग की तरह हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सोशल डिफरेंसेज अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेज इन। ये हमने आपको बताया था सोशल डिफरेंसेज जो हैं कुछ ऐसे हैं जो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया, रेस हो गया या लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है अलग अलग रीजन में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच थ्री एलिमेंट शो द बेसिक यूनिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कल्चरल यूनिटी, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी इन लैंग्वेज और रिलीजियस इक्वलिटी। तो बेसिक यूनिटी इन इंडिया किन एलिमेंट्स से हमें दिखती है, हमें वो बताना है। तो कल्चरल यूनिटी हमें दिखती है, चाहे वो किसी भी धर्म के या किसी भी कल्चर के लोगों, सबको अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने का, प्रोफेस करने का इक्वल राइट दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखने को मिलता है हमें ऑन द बेसिस ऑफ जो सोशल हायरार्कीज हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये क्या है, ये कहीं से भी यूनिटी हमें नहीं दिखाता है, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो ये यूनिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद यूनिटी इन लैंग्वेज, भाषा में एकता हमें देखने को मिलती है, सभी भाषाओं को प्रोफेस करने का या सभी राज्यों को अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट करने का इक्वल राइट दिया गया है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमें रिलीजियस इक्वलिटी भी देखने को मिलती है, सभी लोगों के अपने धर्म को, अपने कल्चर को प्रमोट करने का पहले ही पॉइंट से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट है जो जो इंडिया में बेसिक यूनिटी को प्रमोट करता है। डिस्क्रिमिनेशन कहीं से भी यूनिटी को प्रमोट नहीं करेगा, अगर भेदभाव होगा समाज में तो वो यूनिटी कैसे रह जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएशन होने लगेगा ना सोसाइटी में। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट सही है। तो ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा इससे मैच कर रहा है, ए पॉइंट, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जिसके हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक यूनिटी को शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोसाइटी इज़ फेयरली होमोजीनस, सोसाइटी जो है वो एक समान रूप से है। होमोजीनस का मतलब हमने आपको बताया था, होमोजीनस सोसाइटी वो होती है जहाँ पर सभी लोग एक ही जैसे होते हैं, एक ही विचारधारा के, एक ही कल्चर या एक ही रिलीजन को प्रोफेस करने वाले होते हैं, लोगों में या लोगों की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंस इन, जिनमें कोई भी बहुत ज़्यादा प्रजाति या जाति के आधार पर डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी की सोसाइटी कैसी है, होमोजीनस। हमारे यहाँ की कैसी है, इंडिया में डाइवर्सिटी वाली या हेट्रोजीनस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू शो हिज सपोर्ट टू द प्रोटेस्टिंग अमेरिकन एथलीट्स, अमेरिकन एथलीट्स, मैक्सिकन ओलंपिक 1968 की बात हो रही है जिसमें दो एथलीट्स थे हमारे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, स्प्रिंट रेस में जिन्होंने फर्स्ट और थर्ड प्राइज जीता था, टॉमी स्मिथ और जॉन कैरलॉस। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो दूसरा पोजीशन जीता था ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने, उन्होंने किस तरह से अपना सपोर्ट दिखाया था ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी इन मैक्सिकन ओलंपिक्स, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उन्होंने ह्यूमन राइट का बैच पहना था, नो शॉक्स, शॉक सबने पहने हुए थे, ब्लैक स्कार्फ किसी ने नहीं पहना था, स्टिंग टू बीट्स भी नहीं था, केवल ह्यूमन राइट्स का बैच पहना था पीटर नॉर्मन ने, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहे थे और जिसके लिए उन्हें अगले ओलंपिक से टीम से बाहर भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली वेयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंस इज कॉल्ड आ। तो अभी हमने पढ़ा ये जर्मनी की सोसाइटी कैसी थी, होमोजीनस सोसाइटी। तो वही यहाँ पर होगी जहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, एक ही तरह के लोगों बनी होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, होमोजीनस सोसाइटी। एग्जाम्पल याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीकन अमेरिकन इज द टर्म यूज्ड फॉर, अफ्रीकन अमेरिकन टर्म्स किसके लिए यूज किया जाता है। तो हमने स्टूडेंट्स आपको फिर से बताया था अफ्रीका से जो लोग काम करने के लिए अमेरिका ले गए थे एज अ स्लेव, वो वहीं पर बस गए थे और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था। नेटिव अमेरिकन वो थे जो पहले से अमेरिका में थे, अफ्रीकन अमेरिकन वो जो अफ्रीका से गए थे काम करने के लिए अमेरिका में और वहीं पर बस गए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अफ्रीकन्स हु वर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स,
अफ्रीकन्स जो अमेरिका ले गए थे, अमेरिका ले जाए गए थे काम करने के लिए एज अ स्लेव, यानी गुलाम के तौर पर खरीद कर, ठीक है। कौन ले गया था? यूरोपियन देश ले गए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स, डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ये डेमोक्रेसी में आता है क्या? वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में कंपटीशन कर रही हैं तो ये डेमोक्रेसी का इसेंशियल फीचर है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पर दो पार्टी या सिंगल पार्टी है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी पॉसिबल है। बी पॉइंट कह रहा है रिलीजियस इनइक्वलिटीज, क्या धर्म के रूप पर असमानता डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा, सभी धर्मों को इक्वल राइट, इक्वल प्रोफेस करने का अधिकार हो तभी डेमोक्रेसी पॉसिबल है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है जहाँ पर सभी लोगों के विचारों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, इक्वल प्लेस दिया जाए। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी, ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। कल्चरल यानी कि अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनमें विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि इंडिया, तो कल्चरल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी में हो सकती है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी में हो सकता है लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन का मतलब विघटन, टूटना, जो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर देश बना हुआ है वो राज्य अलग हो जाए, या समाज जो छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर बना हुआ है वो अलग हो जाए, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। तो डेमोक्रेसी में टूटना या बिखरना या वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो सबसे सुटेबल है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच थ्री कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिवीज़न, कौन सी तीन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सोशल डिवीज़न की प्रॉब्लम फेस की जा रही है लोगों के द्वारा, हम देख सकते हैं ऐसा कहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड इंडिया, तो यूएसए में सोशल डिवीज़न की प्रॉब्लम है, इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में तो है लेकिन इंडिया और यूएसए में नहीं। इसके बाद बी ऑप्शन क्या कह रहा है बेल्जियम, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम, तो बेल्जियम में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी डच और फ्रेंच लोगों के बीच में। इसके बाद श्रीलंका में सिंगलाज और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में देखने को मिली थी, और यूनाइटेड किंगडम में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो तीन कंट्रीज दी हैं बी ऑप्शन में ये बिल्कुल सही हैं, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा, बेल्जियम, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में हमें सोशल डिवीज़न की प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बाकी पॉइंट्स देखते हैं तो उनमें एक एक कंट्री दी हुई है लेकिन उनमें तीनों कंट्रीज सही नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस सिग्निफाइज, ओवरलैपिंग हमने आपको बताया था जब किसी एक ग्रुप या किसी एक रिलीजन के विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और दूसरे को इग्नोर किया जाने लगता है तब उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। किसी एक सोशल डिफरेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और दूसरे की बात को ना माना जाए या इग्नोर किया जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, सी, सम सोशल डिफरेंसेज ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेज, जब कुछ सामाजिक विचार, कुछ सामाजिक मांगे दूसरी मांगों या दूसरे डिफरेंसेज, दूसरे ग्रुप की डिमांड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द सिविल राइट मूवमेंट्स ऑफ यूएसए सिग्निफाइज, सिविल राइट्स मूवमेंट हमने आपको बताया था किंग मार्टिन लूथर जूनियर के द्वारा इनिशिएट किया गया था और इसमें रोजा पार्क्स और उसके बाद कई लोग आए थे। तो यहाँ पर ये क्या था सिविल राइट मूवमेंट, इसको हम देखते हैं, अ रिफॉर्म, सी ऑप्शन इसका सही होगा, अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन्स, यानी गोरे और काले के बीच में जो अंतर किया जा रहा था वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्पेशली टू अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसमें सुधार, उस सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए यह मूवमेंट चलाया गया था 1966 से 71 के आसपास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल डिफरेंसेस इन द नीदरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आर करेक्ट, इसमें से चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें कौन से करेक्ट हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड आर प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, पूरे यूके में जो है, जो इस टाइम ग्रेट ब्रिटेन है जिसमें आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन आता है, इन चारों में जो मेजॉरिटी में रिलीजन था वो क्रिश्चियन ही था, लेकिन क्रिश्चियन जो है फर्दर डिवाइड हो गए थे किसमें, कैथलिक और
प्रोटेस्टेंट में, कैथोलिक वो जो चर्च के साथ थे, प्रोटेस्टेंट वो जो चर्च के करप्शन के खिलाफ नया रिलीजन बनाए थे। इसके अलावा बी ऑप्शन कह रहा है इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप ईच अदर, ये वाला भी बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास और रिलीजन जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते थे, ठीक है। कैसे, जो क्रिश्चियन थे वो फर्दर डिवाइड थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, और फिर उसके देखते थे कि सारे कैथोलिक ना तो रिच थे और ना ही सारे प्रोटेस्टेंट पुअर थे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है सब मिक्स थे। तो इस तरह से क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप कर लेते थे एक दूसरे को। इसके बाद सी पॉइंट कह रहा है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस डू नॉट क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। हमने अभी आपको बताया ओवरलैपिंग का मतलब होता है जब किसी एक ग्रुप की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो दूसरा ग्रुप जिसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है उसके मन में हेट्रेड आने लगती है और वो खुद को एलिनेटेड महसूस करने लगता है, लेफ्ट आउट महसूस करने लगता है, और धीरे धीरे ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है सोसाइटी को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है इन द नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नीदरलैंड में क्या था, क्लास एंड रिलीजन जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर, एक दूसरे को कट क्रॉस कर देते थे। जैसा हमने अभी आपको बताया कैथोलिक और क्रिश्चियन जो है वो सभी रिच होंगे या सभी पुअर होंगे, ऐसा रिलीजन के बेसिस पे डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने जब आपको क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस बताया था तब आपको बताया था कि ये जो है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस इसको एकोमोडेट करना आसान होता है। तो ये डी ऑप्शन पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ए बी और डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन में देखते हैं अब हमें क्या टिक करना है, ए बी सी डी चारों सही है, नहीं ए बी डी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, सी गलत है और डी में भी सी कह रहा है तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी ए बी और डी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं नीदरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन आर ट्रू, यानी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के को प्रभावित करने वाले कौन से स्टेटमेंट्स निम्नलिखित में से सही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ मच ईजियर, ये बहुत आसान है, इफ़ द पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटी आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद नेशनल आइडेंटिटी। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये बहुत आसान होता है जब लोग अपनी आइडेंटिटी को एज अ मल्टीपल आइडेंटिटी देखते हैं, यानी कि उन्हें ये पता हो कि वो एक भारतीय हैं बाद में किसी रिलीजन या किसी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। इस कंडीशन में देश इंटीग्रेट, देश जो है वो यूनाइट रहता है और इंटीग्रेशन बना रहता है। इसके बाद बी ऑप्शन कह रहा है इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, अगर लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सिंगुलर टर्म में देखते हैं कि यार वो फिर सिर्फ किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, अगर वो सिर्फ वही देखेंगे तो फिर ये डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू अकोमोडेट, नहीं ये गलत हो जाएगा, फिर उन्हें एक साथ जोड़ के रखना कठिन हो जाता है। अगर लोग सिर्फ ये देखेंगे कि अरे हम तो सिर्फ इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या तो हम तो बहुत अमीर हैं, या तो हम तो डॉक्टर हैं, हम तो बाकियों से अच्छे हैं, ऐसा अगर वो सोचेंगे तो फिर सबको एक साथ मिलाकर रखना पॉसिबल नहीं होगा। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज़ ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर ऐसी डिमांड्स की जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही हैं तो उन्हें पूरा किया जा सकता है आसानी से। सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई डिमांड की जा रही है तो उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी, और अगर ये दूसरी कम्युनिटी को प्रभावित नहीं कर रहा है तो भी आसानी से पूरा किया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद डी कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड इन डिफरेंट ग्रुप्स, और ये बिल्कुल सही पॉइंट है क्योंकि अगर सरकार सही तरीके से रिएक्ट करती है किसी सोशल ग्रुप की डिमांड पर तो ये डिफाइन करता है कि सोशल डिवीज़न अफेक्ट होगा या नहीं। लास्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है अटैम्प्ट एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन, अगर हम जबरदस्ती सबको मिलाकर साथ में रखने की कोशिश करेंगे डू नॉट सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो ये डिसइंटीग्रेशन को नहीं
शुरू करेगा। सीड का मतलब ऐसे तो बीज बोना है, पर यहाँ पर मतलब इसका क्या होगा कि अगर हम जबरदस्ती सबको एक साथ मिला के रखेंगे तो ये डिसइंटीग्रेशन को नहीं बढ़ाएगा। जबरदस्ती हम किसी को या फोर्सफुली हम लोगों को एक साथ कब तक रख सकते हैं? ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। पीस एंड हारमोनी सस्टेन नहीं करेगा, जैसा हमें श्रीलंका में देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन से को प्रभावित करने वाले जो पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए बी पहला गलत है, सी बी गलत है, ए बी सी ये भी गलत है, डी ऑप्शन कह रहा है ए सी डी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सी एंड डी, जो सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कंट्रीज विच फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिवीजन। उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करो जो सोशल डिवीजन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कौन सी कंट्रीज हैं, तीन, बेल्जियम, श्रीलंका एंड यूके। बेल्जियम में फ्रेंच एंड डच थे, श्रीलंका में सिंगलाज और तमिल्स थे, और यूके में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट नॉट करेक्ट अबाउट सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है टू मैनी स्मॉल डिवीजन्स आर बेटर देन अ सिंगल बिग डिवीजन्स। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर स्मॉल डिवीजन्स ढेर सारी होंगी तो लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना आसान होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पॉलिटिक्स इज अ फोर्स ऑफ यूनिटी व्हेन एक्सप्रेशंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सोशल डिवीजन्स अकर। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सी पॉइंट कह रहा है इट इज़ ओनली इन कंट्रीज लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिवीजन। केवल भारत ही है ऐसा देश जहाँ पर हमें सोशल डिवीजन देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा सोशल डिवीजन यूके, बेल्जियम और श्रीलंका में देखने को मिल रहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं क्या कह रहा है। मूवमेंट इमर्ज इन 1966 एंड लास्टेड टिल 1975। तो अभी हमने आपको बताया था कौन सा मूवमेंट था जो अमेरिका यूएसए में चला था, ब्लैक पावर मूवमेंट, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को जस्टिस दिलाने के लिए या इक्वल राइट्स दिलाने के लिए लड़ा गया था। इसके बाद 16 क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है जर्मनी एंड विच कंट्री आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो होमोजीनस दो कंट्रीज हमने आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, कौन कौन सी, जर्मनी और स्वीडन, लेकिन इनमें भी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोग अब मिल रहे हैं जिसकी वजह से इनमें तेजी से चेंज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। बिल्कुल सही है, और हमने आपको दो तरह के बताए थे, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग को इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग डीप डिवीजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इंटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। 6 अलग अलग देशों में या 6 स्वतंत्र देशों में यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएसए वाज लॉन्च्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जो है ये इनसे पहले भी हुए थे, जूनियर इनके बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है, ठीक है। तो अगर आप केवल मार्टिन लूथर किंग लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको जूनियर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फ्रांस में नहीं कहते हैं लुइस 16, लुइस 15 उनसे पहले राजा थे, लुइस फिलिप जो है वो 1815 में राजा बने। तो केवल लुइस अगर आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वैसे ही सिविल राइट मूवमेंट्स के लिए आप क्या लिखोगे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिवर्सिटी विच ऑनर्ड टॉमी स्मिथ एंड जॉन कैरलोस। तो मैक्सिकन ओलंपिक 1968 में पहला स्थान पाए थे स्प्रिंट रेस में टॉमी स्मिथ, और थर्ड पोजीशन पर थे जॉन कैरलोस। और इनको किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनर किया गया था, स्टैचू बनाया गया था इनका? तो वो था सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी। पूरा लिखिएगा, केवल सैन जोस लिखकर मत छोड़िएगा, ठीक है, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रू फॉल्स है ये, विच सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनादर एग्जिस्ट ओनली इन बिग कंट्रीज। तो ये फॉल्स है, स्मॉल कंट्रीज में भी सोशल डिविजन देखने को मिलता है, जैसे कि बेल्जियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया था जो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट और इसके अलावा जो क्लास थी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी फेल्स टू एकोमोडेट सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी जो है सोशल डिवीजन्स को एक साथ लाने में फेल रहती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। इंडिया में हम देख रहे हैं कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी सबको एक साथ मिलकर रहना आता है, एक साथ इनके जो डिफरेंसेज हैं उनको दूर किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी इज़ अ सक्सेसफुल अटैम्प्ट टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव हैड कॉन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। ट्रू, कॉन्फ्लिक्ट्स थे तभी तो ओवरलैप कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल दैट पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़। ट्रू, कोई भी व्यक्ति जो है एक देश, एक इंडियन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो सकती है, और रिलीजन में फर्दर कास्ट या कल्चर के बेसिस पर उसकी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन उसकी आइडेंटिटी अलग हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होना पॉसिबल है, लेकिन वो खुद को किस आइडेंटिटी से देखता है, उसका प्रोस्पेक्टिव खुद की आइडेंटिटी की तरफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के इंटीग्रेशन या यूनिटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स का। पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेज आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एंड चॉइसेस। हमने आपको बताया था कुछ सोशल डिवीजन जो है हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ये हमने चुना नहीं था, ये हमें बाय बर्थ मिला हुआ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाय बर्थ सम ऑफ द डिफरेंसेज आर बेस्ड ऑन अवर चॉइस। कुछ जो सोशल डिफरेंसेज हैं वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम कौन सा ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, या हम कौन से रीजन में जाकर सेटल होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग छोटे शहरों से जाते हैं बड़े शहरों में काम करने और वहीं पर सेटल हो जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वो सोशल डिफरेंस चूज़ करते हैं और फिर वो वहीं की नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं और वो वहीं के निवासी बनकर रहने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न। सभी सोशल डिफरेंसेज जो हैं वो सोशल डिवीज़न को लीड नहीं करते हैं, यानी डिफरेंसेज होना अच्छी बात है, लेकिन डिफरेंसेज की वजह से सोशल डिवीज़न होने लगे तो देश की यूनिटी फिर खतरे में पड़ जाती है। ऐसा हर एक सोशल डिफरेंस की वजह से नहीं होता है। सोशल डिफरेंसेज डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनादर, बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। सोशल डिफरेंसेज की वजह से एक ही तरह के लोग आपस में बट जाते हैं। जैसे सपोज़ किसी रिलीजन की बात करें हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर उस रिलीजन के लोग आपस में बट जाएंगे, लेकिन दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। ये अलग अलग तरह के लोगों को यूनाइट भी करते हैं। जैसे अब हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर में एक ही रिलीजन के लोग नहीं होंगे, डॉक्टर में अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, और जब हम डॉक्टर्स की कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसमें सारे रिलीजन के लोग यूनाइट हो रहे होंगे, यानी डिफरेंट पीपल यूनाइट हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी। ये अभी आया था ट्रू फॉल्स में, एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है और वो कई सोशल ग्रुप से बिलोंग भी कर सकता है। जैसा अभी हमने आपको बताया, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं और इस तरह से वो एक से ज़्यादा सोशल ग्रुप का पार्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच कंट्री पीपल हु लिव इन डिफरेंट रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये तो सब जगह देखने को मिलता है, पर आपके बुक के अकॉर्डिंग ये बेल्जियम में था, जहाँ पर फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे और डच लैंग्वेज अलग लोग बोल रहे थे, और इसके अलावा 1% जर्मन स्पीकिंग लोग भी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंट differences and similarities, the boundaries of their group. People belonging to different social groups, लोग जो अलग अलग social group से belong करते हैं, share differences, वो अपने मतभेदों को एक दूसरे से share करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की choices, different choices का सम्मान करते हैं, and similarities, और जो एक दूसरे में common है उसका भी respect करते हैं, कटिंग अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ देयर ग्रुप, और वो अपनी ग्रुप की जो बाउंड्री है कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके एक दूसरे के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत ज़रूरी है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डिवीजन्स के लिए और साथ ही साथ देश की यूनिटी के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टीकल्चरल। बहुत सारे देश हैं दुनिया के जो मल्टीकल्चरल हैं, जहाँ पर होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियस है, जहाँ पर एक से तरह के कल्चर या रिलीजन के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज नॉर्मल।
एंड कैन बी हेल्थी। तो हमने जब आपको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बताया था, तब आपको बताया था हमने कि भारत में पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति 18 साल की आयु या उससे अधिक का है वो चुनाव लड़ सकता है, प्लस वो वोट डालने के लिए भी एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, यानी सरकार की नीतियों के प्रति हमारी क्या व्यूज़ हैं वो हम देने के लिए स्वतंत्र हैं, प्लस अपनी अपनी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, कुल मिला के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, राजनीति के प्रति हम अपने विचार और अपने एक्सप्रेशन देने के लिए स्वतंत्र हैं। अलग अलग सोशल डिवीज़न सभी लोग, और ये नॉर्मल है किसी भी लोकतंत्र में, ये नॉर्मल है क्योंकि सभी किसी भी लोकतंत्र में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं जो उन्हें इम्यून करते हैं फ्रॉम एट्रोसिटीज ऑफ रूलर क्लास एंड कैन बी हेल्दी। और ये समाज के लिए हेल्दी भी होता है क्योंकि इससे क्या होता है, जो रूलर क्लास होती है वो ऑटोक्रेटिक नहीं हो पाती है और लोग उस पर कंट्रोल रखते हैं। अगर लोगों के हिसाब से या लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं होता है, लोग उसे चेंज भी करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं विद देयर पॉलिटिकल पावर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन्स, जो अलग अलग सोशल डिविजन के एक्सप्रेशंस हैं, वक्तव्य हैं, जो विचार हैं उनके, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, ऑफ्टन रिजल्ट्स इन देयर कैंसलिंग वन अनादर एंड रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी। वो प्रायः रिजल्ट, प्रायः परिणाम देते हैं कैंसलिंग वन अनादर, एक दूसरे के वक्तव्यों, एक दूसरे के विचारों को कैंसिल करने में, एंड रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी, और वो एक दूसरे की तीव्रता या गुस्से को शांत भी या कम भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। कौन सा बेहतर तरीका है कि वो एक सभी व्यक्तियों को पहचान, सभी सोशल ग्रुप्स को पहचान भी दिला पाए, रिकॉग्निशन भी दिला पाए, एंड ऑल्सो टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ जो विभिन्नताएँ हैं उन्हें एक साथ मिलाकर भी रख पाए। तो ऐसा पॉसिबल है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही हर व्यक्ति को अधिकार होता है अपना लीडर चुनने का, और जब पार्लियामेंट में नेता पहुंचते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पहुंचता है, तो वो हर कम्युनिटी, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, वो हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठा होता है। पार्लियामेंट वो जो देश के लिए रूल बना रही है, और जब पार्लियामेंट पूरे देश की जनता के लिए रूल बनाती है तो जनता उसे स्वीकार करती है खुशी खुशी, क्योंकि उसे पता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठा है। और रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, वो ध्यान रखे कि कोई भी ऐसा रूल ना बने जो किसी कम्युनिटी या देश की इंटीग्रेशन को नुकसान पहुँचाए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी बेस्ट वे है टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन, पहचान प्राप्त करने के लिए, एंड ऑल्सो टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी, विभिन्न ग्रुपों को एक साथ लाकर रखने या एक साथ देश में खुशी खुशी रखने के लिए। तो ये थे आपके ऑल पॉसिबल वन मार्क्स क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, सिविक्स क्लास 10th। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से अगले वीडियो में। टिल देन रिवाइज करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।